हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया इस वीडियो में वो क्षण आ गया, वो पल आ गया जिसमें हम लोग इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। बहुत ज़्यादा डिमांड में यह सब्जेक्ट था, तो मैं बोला भैया चलो इसको भी अपन शुरू कर देते हैं। समझना, आगे आने वाले वीडियोज में भैया बहुत सारे मुद्दे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपन क्लियर करने वाले हैं, एज यूजुअल आसान से आसान भाषा में रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ सारा कंटेंट आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। आज का जो वीडियो है जिसमें अपन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इस सब्जेक्ट को, कुछ बेसिक बातें भैया, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग एंड मूविंग एनी फर्दर विद दिस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट नेम्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो भैया सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आखिर है क्या, वॉट डू वी मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो भैया देखो यार, जैसा नाम है वैसे ही उसका काम भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो मतलब यहां पे एक तरीके से ये सिस्टम है, ओके, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट मशीन्स, विच आर लोकेटेड अक्रॉस डिफरेंट मशीन्स, मशीन्स कह सकते हो, कंप्यूटर्स कह सकते हो, नोट्स कह सकते हो, सिंपल भाषा में कंप्यूटिंग डिवाइसेस कह सकते हो, जिनके ऊपर भैया ये आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है लोकेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है ओनली एंड ओनली बाय मैसेज पासिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने जैसा वो ये है कि यहां आपके वो जो मशीन्स, जो कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस मैं कह रहा हूं, उनके ऊपर लोकेटेड रहते हैं आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स दैट आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग द मैसेज पासिंग, ताकि उनके जो एक्शंस हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में चल सके, ठीक है। तो ये बात तो भैया अपने को समझ में आ गई। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो हमारे कंप्यूटर्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपके इस एक सिस्टम के अंदर हो सकती हैं, तो भैया उनका जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, उसके बारे में कुछ बताओ यार, जो उनके बीच का डिस्टेंस है। सी, अब अगर कोई एक कंप्यूटर लेट से आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपके सिस्टम में मौजूद है, ठीक है, तो वो दूसरे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा दूरी पे भी हो सकता है, बहुत कम दूरी पे भी हो सकता है, जो डिस्टेंस है दो कंप्यूटर्स का आपके उस सिस्टम में वो वेरी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यार कि यहाँ पे एक कंप्यूटर आपका किसी एक कॉन्टिनेंट वन में है, दूसरा कंप्यूटर कॉन्टिनेंट टू में है, बराबर है, इतनी ज्यादा दूरी भी हो सकती है। चलो एक काम करते हैं, इनकी दूरियां थोड़ी कम करते हैं, एक ही कॉन्टिनेंट की अभी अगर बात की जाए तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ही कॉन्टिनेंट में है, लेकिन लेकिन आपका एक कंप्यूटर उस कॉन्टिनेंट के किसी एक कंट्री में है, कंट्री वन, और ये कंप्यूटर कंट्री टू में प्रेजेंट है, लेट्स से। अब ये और भी नजदीक हो सकते हैं, ये सारे वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, और भी नजदीक हो सकते हैं। चलो एक ही कंट्री के अंदर जाते हैं, बराबर है, एक कंट्री के अंदर भैया बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, लेट्स कंसीडर उस कंट्री के स्टेट वन में एक कंप्यूटर है और स्टेट टू में एक कंप्यूटर है, ऐसा भी भैया आपको जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो देखने को मिल सकता है। चलो एक स्टेट के अंदर भैया घुस के अभी कमाल करते हैं, स्टेट के अंदर गए तो बहुत सारी सिटीज होती हैं, अब वो जो भाई साहब सिटी है उसमें ऐसा हो सकता है सिटी वन में जो है एक कंप्यूटर मौजूद है, सिटी टू में दूसरा मौजूद है। अब चलो एक ही सिटी के अंदर आ जाते हैं यार, एक सिटी के अंदर आ गए, मान लो यहाँ पे एक सिटी के अंदर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग वन उसमें एक कंप्यूटर और बिल्डिंग टू यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, चलो अभी एक ही बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं यार, तो भैया क्या हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर अपन आ गए तो उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो मान लीजिए रूम वन में यहाँ पे एक कंप्यूटर, रूम टू में एक कंप्यूटर, चलो यार एक ही रूम के अंदर भी हम लोग आ जाते हैं, और थोड़ा नज़दीक एक ही रूम में आपका कंप्यूटर वन और कंप्यूटर टू दोनों भी यहाँ पे आपको लोकेटेड मिल सकते हैं। तो ये सारी तमाम पॉसिबिलिटीज जो है जो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में देखने को मिल जाएंगी वो मैंने अभी आपको बता दी हैं। और एक जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वो ये है कि उसका मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, और वो ये है शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज मतलब क्या यार, बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, ओके, जो कि क्लाइंट्स डिमांड करते हैं, बराबर है। अब ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, ओके, तो इसके यूजर्स होंगे, इसके क्लाइंट्स होंगे, तो क्लाइंट ना बहुत सारे रिसोर्सेज जो है डिमांड करते हैं। अब उसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो शेयर्ड होते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज दैट आर हैविंग अ प्रॉपर्टी शेयरेबल, कि उसको शेयर किया जा सकता है अमंग्स मेनी ऑफ द यूजर्स, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज। अब ये जो शेयर्ड रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करने का जो फंडा है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का। और यहां पे भैया जब हम लोग शेयर्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो वहां पे एक फंडा आता है जिसका नाम है कंकरेंसी।
कंकरेंसी का मतलब क्या होता है यार? देखो, कंकरेंसी का ये तो मतलब नहीं है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है? ये तो नहीं है कि यार एक पर्टिकुलर गिवन स्लॉट ऑफ टाइम पे आप सिर्फ एक ही टास्क, एक ही जॉब, एक ही काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, ये कंकरेंसी नहीं होता। कंकरेंसी मतलब क्या कि एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, गिवन स्लॉट, यहां पे एक या एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा टास्क जॉब्स को आप एक तरीके से एग्जीक्यूट या परफॉर्म कर पा रहे हो, ऑपरेशंस जो है बहुत सारे आप परफॉर्म कर पा रहे हो फॉर अ गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो इसे अपन बोलते हैं सिंपल भाषा में कंकरेंसी। अब यहां पे जब मैं शेयर्ड रिसोर्सेज की बात करता हूं तो कंकरेंसी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज सी यार, अगर मान लो यार यहां पे कोई एक रिसोर्स है, रिसोर्स ए, बराबर है, मान लो, चलो जस्ट अपन एक जनरल केस कंसिडर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये एक रिसोर्स ए है जो क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है, ओके? और यहां पे क्लाइंट है C1 एंड C2, ये दो क्लाइंट है आपके, ओके? और इन दोनों को भैया एक्सेस है इस पर्टिकुलर रिसोर्स का, तो अपन क्या कहेंगे इसको, ये शेयर्ड रिसोर्स है, ये एक्सक्लूसिव रिसोर्स नहीं है। एक्सक्लूसिव रिसोर्स मतलब क्या कि ऐसा रिसोर्स जो कि सिर्फ एक ही क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, ओके? एक ही क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव। लेकिन यहां तो बड़ा सिंपल सा मामला है समझने को, देखने को मिल रहा है कि ये रिसोर्स जो है वो शेयर किया गया है बाय C1 एंड C2। अब यहां पे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि C1 और C2 दोनों ही एट द सेम टाइम आपके इस रिसोर्स ए के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी नेचर को, इसी बिहेवियर को अपन कंकरेंसी बोलते हैं, जो मैंने अभी जस्ट आपको डिफाइन करके दिया था, एक एग्जांपल के साथ भी मैंने आपको समझा दिया। उसके आगे की जो एक बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से जुड़ी हुई, वो ये है कि नो ग्लोबल क्लॉक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नो ग्लोबल क्लॉक, कोई ग्लोबल क्लॉक नहीं। मतलब क्या कि कोई एक ऐसा ग्लोबल नोटेशन नहीं है एक करेक्ट टाइम का जो एग्जिस्ट करता हो फॉर योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ऐसा कोई ग्लोबल नोटेशन ऑफ करेक्ट टाइम नहीं है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इसको और समझाने की जो है कोशिश करता हूं। सी, अभी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, तो ये जो कंप्यूटर है इनमें बेसिकली हम लोग जब टाइम काउंट करने की बात करते हैं, वी वॉन्ट टू काउंट द टाइम, बराबर है, तो उसमें आपका क्रिस्टल बेस्ड जो है वो क्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं आपके कंप्यूटर्स में, जहां पे ऑसिलेशंस को काउंट किया जाता है, उस हिसाब से टाइम आपका जो है काउंट होता है। ये बड़ा बेसिक सा फंडा है। अब यहां पे जो बात निकल के आती है इन क्लॉक्स से जुड़ी हुई, जो कि क्रिस्टल बेस्ड क्लॉक्स हैं, जो कि हर एक कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लॉक ड्रिफ्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है ये, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ये क्या है। देखो, बेसिकली हमने देखा है जो अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, हर एक कंप्यूटर के अंदर अपनी एक क्लॉक होती है जिसे अपन फिजिकल क्लॉक बोलते हैं। अब वो जो फिजिकल क्लॉक है एक तरीके से क्रिस्टल बेस्ड आपकी क्लॉक होती है, और उसमें आपको ये फंडा क्लॉक ड्रिफ्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो टाइम काउंट करने का रेट है ना, जिस रेट से जो टाइम काउंट किया जा रहा है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट क्लॉक्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। बराबर है, बात समझ में आ रही है?